हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे एक यूनिक पार्टी स्टार्टर, क्रिस्पी पास्ता स्टिक्स। इसके लिए देखिए, मैंने ये उबला हुआ पेने पास्ता लिया है और ये टूथपिक्स और ये वाले स्क्यूअर्स लिए हैं जो मीडियम साइज़ के आते हैं। इनको दोनों साइज़ में बनाएंगे। पहले टूथपिक में लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से पेने पास्ता को सेंटर से टूथपिक में लगा लेंगे। इसी तरीके से बड़ी वाली में और सब छोटी वाली में सभी पास्ता को लगा लेंगे। ये देखिए, सभी पास्ता स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब इनको कोट करने के लिए एक बैटर बनाएंगे। पास्ता स्टिक्स को कोट करने के लिए ये देखिए, ये आधा कप मैदा लेंगे, 1/4 कप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, मिला लेंगे दोनों को। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 teaspoon गार्लिक पाउडर डालेंगे, 1 teaspoon अनियन पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 teaspoon लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 teaspoon पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग लेंगे, ये सब इसमें डाल देंगे। सबको मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बनाएंगे। बैटर मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाएंगे, जो कि ना ज़्यादा थिक होगा और ना ही ज़्यादा पतला होगा। ये देखिए, बैटर को इस कंसिस्टेंसी का बनाना है, ना ही ये ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत पतला है। ये देखिए, चम्मच को उल्टा कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोटिंग है, इसी तरह का बनाना है। अब इससे पास्ता स्टिक्स तैयार करेंगे। ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये जो हमने स्टिक्स तैयार किए हैं, इसको बैटर में डिप करेंगे, सब तरफ अच्छी तरह से लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सभी स्टिक्स, बड़ी और छोटी, सब इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सभी पास्ता स्टिक्स रेडी हो गई हैं ब्रेड क्रम्स से कोट होके। ये देखिए, अब इनको फ्राई करेंगे। पास्ता स्टिक्स को फ्राई करने के लिए कोई फ्लैट टाइप का पैन या कढ़ाई ले लीजिए। ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब अपने पास्ता स्टिक्स इसमें डाल देंगे। धीरे से इनको घुमा देंगे, इस तरीके से साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह साइड बदलते हुए पास्ता स्टिक्स को गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करेंगे। ये देखिए, पास्ता स्टिक्स बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इनको निकाल लेंगे। इस तरीके से साइड पे ज़रूर आपको थोड़ी देर रोकना है, जिससे सारा ऑयल अंदर से निकल जाए। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हमारी पास्ता स्टिक्स बनी है। इसी तरह सभी पास्ता स्टिक्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सभी पास्ता स्टिक्स फ्राई हो गई हैं। बहुत ही क्रिस्पी पास्ता स्टिक्स बनी है। इनको आप इसी तरह गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। चीज़ पसंद करते हैं तो थोड़ी इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, थोड़ा टमाटो केचप लगा देंगे, थोड़ी सी मेयोनीज लगा देंगे। आप अपनी पसंद से जैसे चाहें इनको डेकोरेट कर सकते हैं। धनिया पत्ती से थोड़ा गार्निश कर देंगे। लीजिए, बनके तैयार हैं हमारी बहुत ही क्रिस्पी यूनिक पास्ता स्टिक्स। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।